एक कटोरी साबूदाना लिया है मैंने। अब हम इसे धो लेंगे। धोने के बाद जब हम इसमें पानी भर के रखेंगे तो इतना ऊपर होना चाहिए साबूदाने से पानी। चलिए देखिए, साबूदाना मैंने रात में भिगो दिया था, ये फूल चुका है जिस तरह का हमें चाहिए था। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पतीला लिया है, मोटी तली का, पतली तली का नहीं लेना है हमें, मोटी तली का, जिसके नीचे की तली मोटी हो उसी में पकाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। पहले हम पानी ले रहे हैं। मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया था तो मैं गिलास से 3 गिलास पानी नाप रही हूँ इसमें। इस तरह 3 गिलास पानी ले लिया। पहले इसको बॉईल होने रखेंगे, तभी हम इसमें साबूदाना डालेंगे। गैस की फ्लेम फुल पे करके इसे उबलने रखेंगे। पे करके मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया है, पतीले को ढक देंगे ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। इसकी फ्लेम आप स्लो कर देंगे, जो साबूदाना हमने भिगो के रखा है वो डालेंगे। की फ्लेम स्लो करके हम इसे पकाएंगे। मीडियम करके गैस की फ्लेम मैं इसे चला रही हूँ, नीचे लगना नहीं चाहिए। ये देखिए, अब इसे हम पका लेंगे। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको पकाने का सही तरीका है कि आप इसे अच्छे से पका लेंगे तो ये ना फटेगा ना कुछ, और यदि ये कच्चा रह गया तो ये फट जाएगा सूखने के बाद, इसलिए हमें इसे पकाना है। और साबूदाने को एकदम गलाना नहीं है, थोड़े थोड़े दाने दिखने चाहिए। देखें, अभी इसमें थोड़ा सा और हमें पकाना है। ये देखिए, अलग अलग दिख रहा है ना, ये अलग अलग दिखना नहीं चाहिए। साबूदाने के पापड़ व्रत वाले बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालें, और यदि ये व्रत वाले नहीं बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच नमक यूज कर रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार है। अभी मैं जीरा नहीं डालूंगी, जीरा अभी डाल देंगे तो साबूदाने के पापड़ एकदम पीले पीले बनेंगे, कलर छोड़ देगा जीरा। इसलिए जब हम पापड़ बनाएंगे उसके थोड़ी देर, पापड़ बनाने के 2 मिनट पहले हम जीरा इसमें मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से खोल रहा है। अब बस हम इसे थोड़ा गाढ़ा करके बंद कर देंगे। हमें इतनी ही गाढ़ा चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, इसलिए हम अब गैस की फ्लेम इस स्टेज पे हमें बंद कर देना है। ये देखें, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। हमें इसी समय जीरा डालना है ताकि ये कलर, इसका वाइट कलर येलो ना हो, तभी उबलते समय जीरा डालेंगे तो वो कलर चेंज कर देगा, इसलिए हमने उस समय नहीं डाला है। अब हम पापड़ बना लेंगे। नहीं होती है, बस ये अपने आप शेप ले लेगा। इस तरह फैला देंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये देखें, इस तरह हम सभी साबूदाने के पापड़ को फैला ले। ये देखें, मैंने पापड़ बना दिए, छोटे बड़े सभी साइज के। ये देखें, अब हम इसे सूखने देंगे। साबूदाने के पापड़ सूख के रेडी हो गए हैं। अब मैंने तल के दिखाती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिए, इस पे कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिया है मैंने। खा देती हूँ। ये देखे, साबूदाना का पापड़ कितना बड़ा हो गया ना। छोटे से मैंने इसमें पापड़, खार या बेकिंग पाउडर सोडा कुछ नहीं डाला है, मीठा सोडा वगैरह, और मैंने बिना मीठा सोडा और बिना पापड़ खार के साबूदाने के पापड़ बनाए हैं। आप लोग जरूर बनाइए इस तरीके से। ये देखे,
गैस की फ्लेम हमें स्लो रखना है, नहीं तो अंदर से साबूदाना कच्चा रह जाएगा हमारा। ये देखिए, इसी तरह हम सभी को तल लेंगे। ये इतने सॉफ्ट और मुलायम है कि बिना दांत वाले भी इसको आराम से खा लेंगे। आप यदि साबूदाने की पापड़ बना रहे हैं तो उसे उबलते समय जीरा मत डालिए, नहीं तो पापड़ का कलर काला काला आएगा। ये देखिए कितने बढ़िया पापड़ बने हैं मेरे, ये देखिए एकदम पतले और शानदार। ये देखिए, और जीरे का कलर भी नहीं आया है साबूदाने में, क्योंकि मैंने जीरा ठंडा होने पे ही डाला था। ये देख, जितना देखने में सुंदर है उतना खाने में भी मुलायम है। देखो दिखा देती हूँ तोड़ के, ये देखे, ये देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। ये देखे दिखा देती हूँ तोड़ के, इतना मुलायम है कि कोई भी इसको खा सकता है बिना दांत के भी। ये देखे, और पतला भी है पापड़, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ये देखे, देखने में जितने सुंदर हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट है। एक बार ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से, ये बनाइए खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।